हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज का अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन। टोटल अगर बात करें तो 1664 पोस्ट पर इसका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और फाइनली यहाँ पे एक बार नहीं बल्कि दो दो बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट भी पब्लिक हुआ, आप सभी कैंडिडेट को पता है। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे अपना, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक एक करके चाहे बात करें आपका आगरा का, झांसी का, झांसी वर्कशॉप का, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आया, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आया। यहाँ तक कि जितने कैंडिडेट NCR प्रयागराज में अगर बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, सभी का रिजल्ट जारी हो गया है। सभी का रिजल्ट जारी हो गया, सभी डिवीजन का रिजल्ट जारी हो गया, चाहे आगरा हो, झांसी हो या फिर प्रयागराज हो, सभी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी हो गया। और यहाँ से अधिकांश छात्रों ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा, पर बहुत सारे कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो आपका उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया ज्वाइनिंग के लिए। जितने भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उन सभी को वहाँ पे फाइनल स्टेटस में सेलेक्टेड दिखेगा। और जितने कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया है उनको यहाँ पे एक सॉरी करके आपको, सॉरी आइदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करके आपको एक जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। तो उन सभी कैंडिडेट, जिस भी कैंडिडेट को ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली एक और मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ गया है। भले कैंडिडेट यहाँ पे जो अपना रिजल्ट देख लिए हैं कि वो सेलेक्ट हैं या फिर नहीं है, पर यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आ गया और आपको किस दिन जाके ज्वाइन करना है वो डेट वगैरह पूरा आ गया है एक और ट्रेड का यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट PDF वगैरह आपको कंटिन्यू वहाँ पर भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग और पूरा डिटेल अभी देखते हैं। तो देखिए ये जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है अर्थात तो ज्वाइनिंग का जो मेरिट लिस्ट है वो आपका सबसे पहले डिवीजन यहां पे देखिए तो आपका अलॉटेड डिवीजन आगरा डिवीजन का है। अभी तक हम लोगों ने सभी डिवीजन को कवर किया प्रयागराज को छोड़कर, क्योंकि प्रयागराज के बारे में अभी तक कोई भी लिस्ट यहां पे जारी नहीं हुई है। अगर आपके पास या फिर मेल में रेलवे अगर आपको भेजता है लेटर, ठीक है, कि आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, या फिर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आता है प्रयागराज से रिलेटेड, तो हमें जरूर जरूर इन्फॉर्म करिएगा। हमें इन्फॉर्म करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो हमें ऑफिशियली मेल भी कर सकते हैं profitstudy22@gmail.com, ताकि आपके भेजे हुए एक मैसेज से हम ऑल ओवर इंडिया के जितने भी छात्र कनेक्ट हैं उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और बात करें तो ये देखिए जो मेरिट लिस्ट है, सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ट्रेड, ज्वाइनिंग डेट और अलॉटेड डिवीजन। अलॉटेड डिवीजन में हम बता दिए कि आगरा डिवीजन का हम यहाँ कवर कर रहे हैं, और आगरा डिवीजन का सभी ट्रेड का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया है, कब ज्वाइनिंग करना है, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, किस डेट में जाना है, कहाँ जाना है, ठीक। सिर्फ बचा हुआ था आपका फीटर, तो फीटर का भी फाइनली आज हम कवर कर रहे हैं। तो फीटर का अगर ज्वाइनिंग डेट का बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पहले ज्वाइनिंग डेट देख लीजिए। ज्वाइनिंग डेट का बात करें तो आपको 15 मार्च को बुलाया गया है, 15/3/2023 को जाना है। सभी कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा, 15 मार्च को आपको सभी को जाना है, ठीक है, जितने भी फीटर ट्रेड वाले हैं सभी को यहां पे जाना है। किस डेट में, तो 15 मार्च को जाना है, 15 मार्च 2023। एक एक करके सभी नाम मिला लीजिएगा, और जिसका भी नाम है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ट्रेड और ओवरऑल परसेंटेज जरूर जरूर बताइएगा, ताकि फाइनली सुनिश्चित किया जा सके कि ओवरऑल NCR प्रयागराज का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है जिसका ज्वाइनिंग आया है कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक यहाँ पे NCR प्रयागराज की तरफ से दो डिवीजन का पूरा डिटेल जारी हो गया है। सबसे पहला में अगर बात करेंगे तो झांसी का, ठीक है, झांसी वर्कशॉप का, इसका भी मेरिट लिस्ट आया था जिसमें 170 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, पर वैकेंसी जो था 180 वैकेंसी में से 170 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है झांसी वर्कशॉप का। उसके बाद बात करते हैं आपका आगरा की तरफ से क्या अपडेट है, तो आगरा में भी जितने कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलते हैं और सारा डिटेल आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए फाइनली हम आगरा डिवीजन वाले वैकेंसी टेबल पे आ गए हैं, ठीक है, जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल NCR प्रयागराज की तरफ से निकाला गया था जब इसका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तब। अगर इसमें बात करें तो अभी तक यहाँ पे सभी ट्रेड का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है ज्वाइनिंग के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, अगर जिस भी ट्रेड के आप स्टूडेंट हैं या फिर कैंडिडेट हैं, अगर आपने अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, चाहे आप मान लीजिए प्लम्बर के हों, डॉट्समैन हों, स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश के हो, तो सभी का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गया है ज्वाइनिंग के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम बता देते हैं, और सभी का यहाँ पे डेट भी रिलीज कर दिया गया है कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, या फिर आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप पार्टिकुलर जिस भी ट्रेड से हैं आपका ज्वाइनिंग कब है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो आपका आगरा डिवीजन में हम आ गए हैं, और आगरा डिवीजन में अभी हम फीटर ट्रेड का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया जिसका ज्वाइनिंग आपका 15 मार्च को है उसको देखें। फीटर में टोटल यहाँ पे कितना सीट है, तो फीटर में टोटल 80 सीट है, पर कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, 77 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 77 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब NCR प्रयागराज में आगरा की तरफ से कोई भी आपको सेकेंड ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपका जो है अगला क्वेश्चन नहीं होने वाला, इसीलिए मैं पहले ही आपको आंसर बता दे रहा हूँ। टोटल यहाँ पे बात करें तो 14 ट्रेड है, और 14 ट्रेड में से सभी ट्रेड का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गया है ज्वाइनिंग के लिए। इसके साथ साथ आपको ज्वाइनिंग डेट भी जारी कर दिया गया है। चाहे हम फीटर का बात करें, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, उसके बाद बात करेंगे प्लम्बर, डॉट्समैन, सिविल से स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, उसके बाद हम देखेंगे तो वायरमैन, मैकेनिक ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ, स्टेशनरी इंस्पेक्टर और मल्टीमीडिया एंड वेब ब्राउजर डिजाइनर। टोटल यहाँ पे 14 ट्रेड का मेरिट लिस्ट आ गया है, और सभी कैंडिडेट के लिए ज्वाइनिंग का डेट जारी कर दिया गया है। तो जाइए फटाफट करके जिस भी डेट में आपको जाना है जाइए और अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट करिए। जिस भी डेट में नहीं, जो पार्टिकुलर डेट बताया गया उसी डेट में जाना है। NCR अगर बात करेंगे आगरा की तरफ से, टोटल यहाँ पे 296 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अगर बात करके आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, तो आप सारा ओरिजिनल अपना कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल के साथ साथ जैसे आपका 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है, बैंक पासबुक लेके जाना है, चेकबुक है तो चेकबुक भी आपको लेके जाना है। अगर जिसके पास चेकबुक नहीं है, चेकबुक के लिए अप्लाई कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे करके मैंडेटरी कर दिया जा रहा है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो NAPS प्रोफाइल का 100% प्रोफाइल कंप्लीट करा के लेके जाना है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होने के लिए मेल आता है, ठीक है, तो आप वो भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको स्टाइपेंड में कितना दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टाइपेंड बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपको 7700 मिल रहा है या फिर 7000 का मेल आ रहा है या फिर 8000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, इसके बारे में हमें जरूर इन्फॉर्म दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए, ताकि इसी तरह रेलवे से रिलेटेड पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।